Good morning, students. I hope you all are doing fine today. We are going to continue with our first chapter of the chemistry section for 9th class. So, let's begin. Right, so before going forward with the next topic, पहले से थोड़ा सा recap कर लेते हैं. अभी तक हमने इस chapter में पढ़ा है कि matter क्या होता है और matter के particles की properties क्या होती है, and हमने ये भी पढ़ा कि जो अलग अलग states हैं उनमें differences क्या हैं, solid, liquid and gas, और हमने plasma के बारे में भी पढ़ा, and थोड़ा बहुत introduction था about Bose Einstein condensate के बारे में भी. अब the next thing we need to go through is the third key point in our chapter, which is interconversion of states. यानी कि states को कैसे convert किया जाता है, या जो solid, liquid और gas है ये आपस में कैसे convert होते हैं, कौन से factors हैं जो कि इनको convert करने के लिए responsible हैं, वो चीज़ हमें देखनी है इस next topic में. Now this is our next topic, interconversion of states, and जैसा कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग तीनों स्टेट्स की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस की, तो क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, राइट, एंड रिवर्स भी होता है, जैसे कि गैस लिक्विड में भी कन्वर्ट होती है और लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट होता है. एक कुछ अगर एग्जांपल्स देखना चाहे अपन लोग देख सकते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड की अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल आइस है, आइस इज़ ए सॉलिड और वो लिक्विड में जब वो कन्वर्ट होती है तो वाटर बन जाता है, और जब वाटर विच इज़ लिक्विड फॉर्म में अगर आप उसको भी कन्वर्ट करते हो तो वो गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, वाटर वेपर, एंड देन जो वाटर वेपर है वो अगेन वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है. अगर आपने देखा हो कई बार जो हम लोग बॉटल के बाहर जो पानी जमा हो जाता है ठंडी बॉटल के बाहर, वो क्या है, एक्चुअली वाटर वेपर कन्वर्ट हो गया लिक्विड में जो कि जमा हो गया बॉटल के बाहर, और फिर हम लिक्विड को फ्रीज करके भी सॉलिड में यानी कि आइस में वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं. तो कुल मिला के ये जो पूरी है ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है. हमें देखना है कि ये कैसे होता है. अब इंटरकन्वर्जन स्टेट यानी कि इनके आपस में कन्वर्ट होने के लिए दो मेन फैक्टर्स हैं, एक तो है टेम्परेचर और एक है प्रेशर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस कि हमें ये चीज़ समझनी है कि ये दोनों कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं स्टेट्स में चेंज आने के लिए. ओके, सो बिफोर गोइंग इन टू द टेम्परेचर जो फैक्टर है कि वो कैसे इसमें एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है स्टेट्स को चेंज करने के लिए, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोगों ने यूज़ में लिया है टेम्परेचर को, हीट को और मोशन ऑफ पार्टिकल्स को, एंड अगर आप नोटिस कर रहे हो तो इनके बीच में ये दो सिंबल्स हैं, ठीक है. दिस सिंबल इज कॉल्ड बेसिकली ए सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल. एंड इसमें क्या सिचुएशन है कि प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल शो करता है बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स, जैसे कि ये सिंबल इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है. एंड कैसे शो कर रहा है कि इस ये सिंबल जब भी हम यूज में लेते हैं और इसके इधर साइड जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. अगर आप इस तरीके से यूज में ले रहे हो तो इसका मतलब ये है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और हीट आपस में. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर आप हीट बढ़ाते हो तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, राइट, और अगर आप हीट घटाते हो तो टेम्परेचर भी घटेगा. ऑन दी अदर हैंड आप ये भी बोल सकते हो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है दैट मीन्स हीट बढ़ रही है, या फिर टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स हीट डिक्रीज हो रही है. तो दोनों आपस में कैसे हो गए, डायरेक्टली रिलेटेड हो गए, और इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. हीट एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये सिंबल ये चीज शो करता है प्रोपोर्शनैलिटी. एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अगर आप हीट ज़्यादा दोगे
तो जो पार्टिकल्स का मोशन है वो भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा हीट देते हो तो हीट एक तरीके से किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है, आप एनर्जी ज्यादा दे रहे हो पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स के अंदर जो मूवमेंट है वो भी ज्यादा होगी। सो बेसिकली ये तीनों जो है आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, दीज थ्री आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो दैट मीन्स हीट बढ़ रही है, अगर आप हीट बढ़ा रहे हो दैट मीन्स एनर्जी इंक्रीज हो रही है, विच इज बेसिकली इंक्रीजिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जिससे कि पार्टिकल्स के मूवमेंट भी काफी बढ़ रहे हैं, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। अब क्या होता है, अब टेम्परेचर कैसे रिस्पॉन्सिबल है चेंज ऑफ स्टेट के लिए? लेट्स से हमारे पास एक सॉलिड है और हमने उस सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया, और जब हम उस सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हीट है और या जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है वो भी इंक्रीज होगा। अब वैसे तो मॉलिक्यूल्स काफी पास पास होते हैं, बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उनकी जो मूवमेंट है वो बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट आएगा जहां पर उनका जो मोशन है, जहां पर जो उनकी मूवमेंट है, जो उनकी एनर्जी है, वो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा हो जाएगी। यू रिमेम्बर राइट, मॉलिक्यूल्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा हो जाती है एक पॉइंट पे, क्या चीज, एनर्जी मोशन, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और जब ये एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो ये मॉलिक्यूल्स उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं एंड दे स्टार्ट टू मूव मोर फ्रीली, और जब ये होता है तब वो सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है, बिकॉज यू नो कि लिक्विड में ज्यादा फ्रीली मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स इन कंपेरिजन टू सॉलिड। तो सॉलिड से लिक्विड में कैसे आया, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, उससे मोशन बढ़ा, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ी, और एट सम पॉइंट ये एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है उससे ज्यादा हो गई, एंड देन दीज पार्टिकल्स बेसिकली स्टार्टेड मूविंग मोर फ्रीली, और जो सॉलिड था वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। दिस बेसिकली दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड, सॉलिड इंटू लिक्विड, इसको बोलते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। जो सॉलिड से जो लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है उससे क्या क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग भी बोल सकते हैं या फिर फ्यूजन भी बोल सकते हैं। और अनदर थिंग, इसमें एक डेफिनेशन है जो आप लोगों को लिखनी है, आई एम गोइंग टू नरेट दैट डेफिनेशन। हम किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, हम मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये वाली सिचुएशन हो जाती है जहां पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सो आई नीड यू टू लिसन केयरफुली एंड राइट दिस डेफिनेशन। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। आई एम गोइंग टू रिपीट वन मोर टाइम, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। फॉर दैट आप इसको लिख सकते हो प्रॉपरली, यू कैन यूज इट इन योर नोट्स। सो बेसिकली वो टेम्परेचर जहां पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नाउ अब इस प्रोसेस में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो होती है, आपकी बुक में एक एक्टिविटी है अबाउट मेल्टिंग ऑफ आइस। तो उसमें क्या है कि अगर हम आइस को एक जार में लें और उसको मेल्ट करें, उसको उसको हीट दें एज सच, और हम उसका टेम्परेचर उसको थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक करते रहें, तो इनिशियली वैसे तो आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्रीज, राइट? 0 डिग्रीज होता है आइस का टेम्परेचर। एंड जब आप उसको हीट देने लगोगे तो इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आइस धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, राइट? आइस के क्यूब्स धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, लेकिन आप उसमें ये चीज़ और ऑब्जर्व करोगे कि जो टेम्परेचर है थर्मामीटर में
वो इंक्रीज नहीं हो रहा, इट इज रिमेनिंग एट 0 degrees. बट जैसे ही आपकी पूरी आइस मेल्ट हो जाती है, उसके बाद आप अगर कंटिन्यूसली हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है. नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हम हीट तो दे रहे हैं लेकिन उस हीट से टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो वो हीट का हो क्या रहा है? दैट इज अ क्वेश्चन. अब इसको हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या ऑक्यूरेंस हो रही है. राइट, सो व्हाट वी सॉ वाज इन दैट एक्सपेरिमेंट कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा. टेम्परेचर सिर्फ तभी इंक्रीज हुआ जब पूरी आइस मेल्ट हो गई. तो वो जो हीट हम लोग दे रहे थे उस जार को, वो हीट का क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू दैट हीट? बिकॉज हमें पता है कि हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स हैपनिंग वाज कि जो हीट आप दे रहे थे वो हीट एक्चुअल में क्या कर रही थी? वो हीट उन मॉलिक्यूल्स को की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही थी. राइट, और जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, आइस के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे थे लिक्विड में. लेकिन वो जो हीट थी इट वॉज ओनली इनफ टू चेंज द मोशन और चेंज द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स की एनर्जी या मॉलिक्यूल्स का मोशन एक पर्टिकुलर रेंज के ज्यादा हो जाता है, एक पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तभी जाकर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है. ओके, इसमें दो चीजें हैं, एक तो टेम्परेचर बढ़ना, राइट, और एक कोई सॉलिड का मेल्ट होना लिक्विड में. ना जो आप हम लोग उसको जब हीट दे रहे हो उस जार को, तो हीट कहाँ खर्च हो रही है? मॉलिक्यूल्स के एनर्जी को इंक्रीज करने में, मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप को बढ़ाने में. राइट, एक बार जब सारे मॉलिक्यूल्स स्टेट में आ जाते हैं, जब उनकी उनका गैप बढ़ जाता है, जब दे आर कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड, उसके बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट होती है एंड देन द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग. सो जो हीट, इनिशियल हीट हम दे रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रही है? वो स्टेट को चेंज करवाने में खर्च हो रही है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ाने में और उनके बीच का गैप बढ़ाने में खर्च हो रही है. दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन. हिडन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो हीट है वो टेम्परेचर में शो नहीं हो रही है, हमें थर्मामीटर में शो नहीं हो रही, लेकिन वो हीट क्या कर रही है? स्टेट को चेंज करने में हेल्प कर रही है. जैसे ही स्टेट कंप्लीटली चेंज हो जाती है, उसके बाद हीट और इंक्रीज होती है और मॉलिक्यूल्स का मोशन एक्चुअली और इंक्रीज होता है और फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है. सो दिस इज काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट थिंग. लेटेंट हीट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चेंज ऑफ स्टेट के लिए, बट चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए नहीं. सो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को लिख लेनी है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. आई एम गोइंग टू नरेट इट नाउ. सो लेटेंट हीट क्या बोलते हैं हम लोग? द हीट एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. द हीट एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट. ओके, सो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है. अब लेटेंट हीट जो है बेसिकली टू टाइप्स की होती है. एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, अभी हमने देखा पहले. तो ये क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? क्या है लेटेंट ऑफ फ्यूजन? हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास एक सॉर्ट ऑफ एक वैल्यू है, एक नंबर है, 1 kg अगर आपके पास सॉलिड है, उस पूरे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितनी लेटेंट हीट लग रही है, राइट, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, तो फर्स्ट विल राइट द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, लिसन केयरफुली. द अमाउंट ऑफ हीट
required to convert 1 kg of solid into liquid is called latent heat of fusion. I'm going to repeat it again. The amount of heat required to convert 1 kg of solid into liquid is called latent heat of fusion. Got it? Now, so this was latent heat of fusion or latent heat of vaporization. Kya hai? Jab liquid hota hai apne paas, 1 kg liquid, ab liquid ke saath bhi same situation hai. Agar aapke paas koi liquid hai, agar aap usko heat karna start karo, theek hai? For example, se water hai. Water ka boiling point apne ko pata hai 100 degrees hota hai, right? अब जब आप उसको बॉयल करना स्टार्ट करते हो, जब आपने जैसे वाटर को हीट दी, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर एट 100 डिग्रीज वो बॉयल होना स्टार्ट होता है. बट जब तक वो पूरा वाटर गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर 100 डिग्रीज पे ही रहेगा. जो आपका पूरा वेसल है, जब तक पूरा वाटर 100 डिग्रीज वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है या स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक आपका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहने वाला है. सो दिस अगेन व्हाट्स हैपनिंग कि वो जो लिक्विड है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, स्टेट चेंज हो रही है. तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, हीट जो ले रहे हैं, वो हीट कहाँ पर जा रही है, वेपर के पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने के लिए, उनके स्पेसेस को बढ़ाने के लिए, और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए. सो दिस इज अगेन व्हाट्स हैपनिंग. लेटेंट हीट क्या कर रही है यहाँ पे, कि इन पार्टिकल्स का गैप बढ़ा रही है पहले से ज्यादा, सो दैट लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स के, या लिक्विड की जो स्टेट है वो गैस की स्टेट में कन्वर्ट हो जाए. टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, सिर्फ द मोशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, और मोशन बढ़ने से गैप्स इंक्रीज हो रहे हैं, और वहां से जो लिक्विड स्टेट है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, राइट. सो लेटेंट हीट अगेन यहां पर क्या काम कर रही है, स्टेट को चेंज करवा रही है. ओके, इट्स हेल्पिंग इन चेंजिंग द स्टेट विदाउट मच चेंज इन टेम्परेचर. सो इसकी डेफिनेशन भी अपने को यहां पर लिखनी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की. इसको आप लोग लिख लेना. अगेन द अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट, या लेट्स से द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of liquid into gas is called latent heat of vaporization. I'm going to repeat it again. The amount of heat required to convert 1 kg of liquid into gas is called latent heat of vaporization. ठीक है? So ये जो है दो definitions आपको ध्यान रखनी है फॉर दिस. ओके, सो अभी तक हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है. इसका ऑपोजिट भी होता है, लाइक गैस से लिक्विड में अगर आपको चेंज करना है, अभी तक हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, राइट. और टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स ने लेटेंट हीट एब्जॉर्ब की, और जब लेटेंट हीट एब्जॉर्ब की तो मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट बढ़ी और उसकी वजह से स्टेट चेंज हुई. नाउ व्हाट हैपेंस When we decrease the temperature, जब हम लोग temperature को decrease करते हैं, let's say liquid है water, उसको आपने freezer में रखा, तो क्या होता है, अब जैसे ही आप water को freezer में रखते हो, what happens, temperature starts going down, and when temperature starts going down, तो due to let's say flow of या conduction of heat का जो rule है, कंडक्शन ऑफ हीट का क्या रूल है, कंडक्शन हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, इज़न्ट इट. जो हाई टेम्परेचर, जो हाई, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो होती है. अब सिचुएशन ये है कि जब आपने पानी को रखा फ्रीजर में, तो जो अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट थी, वाटर हैड सम अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट, राइट, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे, वाटर उस लेटेंट हीट को लूज कर देता है because there is less temperature outside. और जब बाहर temperature कम होता है तो water की latent heat water से बाहर release हो जाती है, और जब latent heat release हो जाती है तो water के molecules की movement कम हो जाती है,
देयर एनर्जी डिक्रीजेस, और जब एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो एक पॉइंट आता है जहां पर मॉलिक्यूल्स की जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा हो जाती है, एंड व्हेन दैट हैपेंस तो जो लिक्विड है वो स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द आइस या सॉलिड, जो वाटर है वो स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द आइस। इट्स द सेम थिंग जस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले हम लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन बढ़ रहा था, स्पेस बढ़ रहा था और कन्वर्जन हो रहा था सॉलिड टू लिक्विड या आइस से वाटर, और अभी क्या किया हमने, लेटेंट हीट रिलीज करवा दी उसमें से। तो लेटेंट हीट क्या कर रही थी, मॉलिक्यूल्स का स्पेस को बढ़ा रही थी, एनर्जी बढ़ा रही थी, अब वो नहीं होगा। सो अगर ये नहीं होता है तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाती है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, एंड व्हेन दैट हैपेंस द मॉलिक्यूल्स बेसिकली कम इनटू द स्टेट ऑफ सॉलिड या इन दिस केस स्टेट ऑफ आइस। सेम थिंग हैपेंस विद गैस, जब आप गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो उसकी लेटेंट हीट भी रिलीज हो जाती है और उसके मॉलिक्यूल्स भी दे बेसिकली बिकम स्लो और लेस एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एंड जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बढ़ जाता है धीरे धीरे, और जो गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस की स्टेट है वो लिक्विड की स्टेट में कम हो जाती है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि सॉलिड से अगर लिक्विड में आपको कन्वर्ट करना हो तो आपको हीट देनी पड़ेगी, और लिक्विड से अगर गैस में भी कन्वर्ट करना हो तो भी आपको हीट देनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपको रिवर्स करना हो, गैस से लिक्विड में करना हो, तो आपको कोल्ड रखना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, और सेम चीज है लिक्विड से अगर सॉलिड में करना है तो भी आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है एज फार एज टेम्परेचर गोज। इसमें एक सिचुएशन और है, सॉलिड लिक्विड गैस और गैस लिक्विड सॉलिड की तो हमने बात कर ली, देयर इज अनदर स्टेट ऑफ चेंज जहां पर सॉलिड से कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। कैसे, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, और उल्टा भी होता है, कुछ वही सब्सटेंसेस डायरेक्ट गैस से सॉलिड में भी कन्वर्ट होते हैं। दिस ऑल्सो हैपन्स। ओके, सो when this is happening, solid से direct जब gas में convert होते हैं तो उसमें भी heat और temperature का ही role होता है कि भाई आप temperature बढ़ाते हो तो कोई भी solid gas में direct convert हो सकता है, और जब आप temperature घटाते हो तो कोई भी gas solid में convert हो सकती है। इस process को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड का डायरेक्ट कन्वर्जन इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड इसके डेफिनेशन हम लोग बाद में लिखेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू गो थ्रू अदर प्रोसेसेस, बट राइट नाउ ओनली यू नीड टू सी दिस दैट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली और कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड डायरेक्टली इज बेसिकली कॉल्ड सब्लिमेशन। This was the basically role of temperature in changing the state of matter. In our next class, we'll go through the role of pressure in changing the state of matter. Thank you.